कि जैसे कि आप अपना डेब्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म से, तो बताइए किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं, क्या है आपका रोल, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई प्लेड द करेक्टर ऑफ साइको इन दिस फिल्म, और ये अलग तरह का एक साइको फिल्म है जो समीर सर ने एक बनाने की कोशिश की, एक अच्छी फिल्म। और काफ़ी सारी फिल्में देखी थी मैंने, उन्होंने कहा था कि फिल्में कम देखना, नहीं तो ऐसा ना हो कि कॉपी हो जाए। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, मेरे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं तो उनको मैंने फ़ोन किया पर्सनली, मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो साइको होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो कुछ वहाँ से ऑब्जर्व किया मैंने, फिर कुछ नेट से देखा मैंने, तो फिर सबका मिक्सचर लेके मैंने एक कोशिश की है, और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा लगेगा। ओके, तो फिल्म तिश्नगी का आपके लाइफ में आना कैसे हुआ, मतलब कितने ऑडिशंस देने पड़े और कैसे आई आपकी लाइफ में? ऑडिशन दिया था मैंने इस फिल्म के लिए, और ऑडिशन दिया मैंने, 2-3 राउंड ऑडिशन दिया मैंने इसके लिए, और उसके बाद फिर मुझे काफ़ी दिन के बाद फ़ोन आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, फाइनल राउंड के लिए आ जाओ आप। फिर मैंने लास्ट राउंड ऑडिशन दिया और फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ, और कुछ दिन हम लोगों ने इस फिल्म के लिए वर्कशॉप भी किया था, फिर फाइनली हम लोग जाके फिर शूट किया भोपाल में, वहाँ के लोग भी काफ़ी कॉपरेट थे। ऑलमोस्ट फिल्म में हम लोग ने भोपाल में शूट किया है, और कुछ जो पैच वर्क थे हम लोगों ने बॉम्बे में शूट किया। जैसे कि आपने बताया फिल्म में आप एक साइको का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कितनी डिफ़िकल्टीज हुई इस रोल को? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ समीर सर का, काफ़ी कॉपरेट किया उन्होंने शूट पे, जयंत सर का भी, उन्होंने भी काफ़ी कॉपरेट किया शूट पे, तो फाइनली जो मुश्किल था इन लोगों ने आसान कर दिया, और शूट पे बस होता चला गया, और इन लोगों की मोहब्बत थी। और बाकी 4 तारीख को फाइनली फिल्म आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता को पसंद आएगी, बाकी मेन जज तो वो लोग बैठे हैं, 4 तारीख को सबके सामने फिल्म आएगी और इंशाल्लाह लोगों को पसंद भी आएगी। ओके, बात करें अगर हम समीर सर की, तो कैसा रहा उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और जयंत सर के साथ भी काम करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और चीज़ें समझते हैं, और आर्टिस्टों पे गुस्सा कम होते हैं ये लोग, काफ़ी सब आर्टिस्टों को इन लोगों ने हौसला अफजाई किया, और एक अच्छी कोशिश थी, हम लोगों ने भी अच्छा कोशिश किया और अच्छी फिल्म बनी है मेरे हिसाब से, बाकी जनता जनार्दन है। इस मूवी में ऐसा लोगों को क्या अलग और नया देखने मिलेगा? क्या है कि ये जो साइको किलर का जो करेक्टर है, और वो किस हद तक अपनी लोगों से प्यार करता है, उससे रिलेटेड लोगों को जानने का मौका मिलेगा, और आज की कहानी मुझे लगता है कि लोग पसंद करेंगे, और आज के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं उन लोगों को मेरे ख्याल से अच्छा लगना चाहिए फिल्म। अगर हम बात करें फिल्म की, आपके रोल की, तो जैसे कि अभी रिसेंटली कर्मावत में रणबीर कपूर ने कुछ ऐसा, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया, तो कितनी डिफिकल्टीज हुई आपको इस कैरेक्टर से बाहर आने की जब आप शूट से बाहर निकलते? मैं तो शूट से बाहर भी आता था तो लोग कहते थे कि यार ऐसा ना हो कि फिर एक बार, तो फिर जेनसन ने मुझे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा हाँ है, तो बोले कि अच्छा हुआ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो इस फिल्म के बाद तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन नहीं सकती थी, क्योंकि तुम साइको किलर हो, कौन लड़की तुमसे प्यार करेगी? मैंने बोला थैंक गॉड। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने फिल्म में मतलब एक साइको लवर की, कितना यकीन करते हैं आप इस चीज़ पे कि लोग इतने नीचे या फिर कह सकते हैं कि इतने पागल हो जाते हैं प्यार में? नहीं, बेशक जब कोई किसी से दिल से मोहब्बत करता है तो बेशक उसके लिए पागल हो जाता है, ख़ास करके तब जब पता चले कि वो जिससे प्यार करता है वो खुद उसको चीटिंग कर रहा है या फिर चीटिंग कर रही है, जो भी हो, तो मेरे ख्याल से तो लोग पागल हो जाते हैं, डेफिनेटली पागल हो जाते हैं। और मेरा पागलपन देखने को मिलेगा इंशाल्लाह आप लोगों को इस फिल्म में। थैंक यू, थैंक्स फॉर। मैं एक्चुअली एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, जो कि जो ये फिल्म एक्चुअली एक लव स्टोरी है, बट इट्स अ साइकोटिक लव स्टोरी, तो जो 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 वायलेंट लव स्टोरी है उसमें जो वायलेंस क्रिएट कर रहा है उसका पीछा कर रहा हूँ मैं पूरी फिल्म में, हाउ एंड में सस्पेंस खुलता है, हाउ आई गेट देम। ओके, तो इसके साथ ये स्टोरी कुछ
नहीं, आई एम द इंस्पेक्टर जो कि उसको पकड़ रहा है. ऐसा कुछ हद तक तो होता होगा. फिल्मों में हम लोग थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं, बट आई एम श्योर एक्चुअली कभी कभी जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो शायद फिल्म से भी ज़्यादा होता है. जैसे द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो कभी कभी होता भी है. बट खैर, हमारी जो कहानी है जिस तरह से लिखी गई है, जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने इसे शूट किया है, इट इज़ डेफिनेटली वेरी इफ़ेक्टिव, यू नो. और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जयंत सर, डायरेक्टर हैं समीर खान सर, वो पूरी टीम ने मिलकर के जो कहानी है उसके साथ बहुत जस्टिफिकेशन किया. जो सपोर्ट चाहिए एक प्रोड्यूसर का पूरा मिला. डायरेक्टर साहब ने जिस तरह से फिल्म को शूट किया, जो सस्पेंस एलिमेंट है फिल्म का, वो बहुत अच्छे से हमने उसे बहुत अच्छे से हमने दर्शाया है. मैं पहले टीम से मिला था, डायरेक्टर साहब से, समीर खान साहब से मिला था जो डायरेक्टर हैं, राइटर साहब से मिला, मंजर भाई से. मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, पैशन बहुत था, तो इस वजह से मैंने हाँ किया था. इस रोल को निभाने के लिए, इस किरदार को निभाने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की? नहीं, एज सच ऐसी कोई तैयारी नहीं की, बस वही अपना जो इंस्पेक्टर का रोल था, तो जिस तरह से उसकी वॉक और एक टफ तरीके से बात करता है, बस वैसे ही. आपने इस रोल के बारे में सुना, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया, मतलब क्या छवि आपके सामने एक? पता नहीं ये कैसा सवाल है, बट आई डोंट नो. सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि अच्छी फिल्म है, करनी चाहिए. okay, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ऑब्वियसली बहुत अच्छा था. हम लोग भोपाल में शूट किया, तो एक बहुत ही अलग तरह के का, जिस तरह का कॉलेज था, जिस तरह के स्कूल्स थे, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया. बात करें अगर आपके दो एक्टर्स की, मज़ा आया कि कोऑपरेटिव थे? सबके सब बहुत अच्छे थे. मोस्ट ऑफ देम आर न्यू कमर्स. राजपाल यादव ऑफ कोर्स एस्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन सबके सब बहुत कोऑपरेशन और बहुत फ्रेंडली एटमोसफेयर में काम हुआ है. थैंक यू. चलो सोलो ही ले. फिल्म तिश्नगी से आपका डेब्यू करने जा रही है, बताइए हमें किस तरीके का रोल है आपका, किस तरीके की किरदार? पहले तो मैं आप लोगों को अपना नाम बताऊंगी. मेरा नाम अनुष्का श्रीवास्तव है और ये मेरी बॉलीवुड की पहली मूवी है. मैंने आज तक कभी इसके पहले कोई मूवी नहीं की, फर्स्ट डेब्यूट मूवी है मेरी तिश्नगी. तो इस मूवी में मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये साइको थ्रिलर लव स्टोरी है जो आजकल के यूथ को ये मूवी बहुत पसंद आएगी. और ये मूवी कुछ नए टाइप की बनी है जो बहुत दिनों बाद आपको देखने को मिलेगी स्क्रीन पर. तो आई होप कि आप लोग सब इन्जॉय करेंगे बहुत. आपका रोल? हाँ, मैं इसमें करण जो लीड एक्टर है उनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हूँ, जो एक बहुत ही सिंपल सी लड़की है एंड बहुत चुलबुली टाइप लड़की है, बहुत नटखटी है, जो अच्छा करती है. और जो इसमें एक्टर है वो उनसे बेपना मोहब्बत करते हैं. बाकी आप स्टोरी देखोगे, आप थिएटर में जाके देखोगे तो हमें अच्छा लगेगा. फिल्म तिश्नगी का आपके लाइफ में आना कैसे हुआ, कितने ऑडिशन से पड़े क्या? हाँ, मैं इसके लिए मेरे डायरेक्टर मिस्टर समीर खान सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि मुझे इस मूवी के लिए उन्होंने ही कास्ट किया था. उन्होंने मुझे, मैंने सर को बोला था, सर ये मेरी पहली मूवी है, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट सर ने मुझे काफ़ी दिलासा दी थी. उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था कि नहीं आप कर लोगे. इवन कि सेट पर भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब उनके बगैर शायद कि मैं ये मूवी कर पाती. उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे मुझे. वो मतलब मेरी लाइफ में वो ऐसे डायरेक्टर है जिनके साथ मैंने पहली बार काम किया. आज तक मैंने किसी डायरेक्टर के साथ मूवी नहीं की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ये तिश्नगी मेरी लाइफ की बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं बड़े पर्दे पे दिख रही हूँ. और इस मूवी में मैंने राहत सर के गाने पे परफॉर्म किया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी लाइफ की पहली मूवी और मैं राहत सर के गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट की बात है ये. बात करें अगर आपके एक्टर को, एक्ट्रेस जी मेन लीड में जो है, उन्होंने भी अपनी डेब्यू किया है, तो
कितना डिफिकल्टी हुआ या फिर आप दोनों ने कितना एक दूसरे का साथ दिया काम करने? हाँ, डिफ़िकल्टीज़ तो हुई थी पहली मूवी, ऑब्वियसली बात है कि डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बहुत सारी लाइफ में आती है। हम सेट पे हम एक दूसरे को पहले कभी नहीं जानते थे। मैं कैश तन्वी जी से मिली थी, मैं कभी नहीं जानती थी, हमारी ट्यूनिंग उतनी नहीं थी। लेकिन सेट पे पहले दिन डायरेक्टर के साथ हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, उनके साथ भी पहले दिन तो नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन काम करते करते आ गई थी। हमें अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस एक बड़े पर्दे के लिए बहुत अच्छा था बहुत। मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं जो सपने लेके मुंबई आई थी, इस बड़े पर्दे पे मेरा सपना पूरा हुआ। और ये सपने को पूरा करने में मेरे सर डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा योगदान है, एंड मेरे मम्मी पापा सबका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू। दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि आप ये हमारी मूवी देखें और हमें फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप ही पब्लिक ही हमें बताइए कि हाँ हमने किस तरह अच्छा किया या नहीं किया, ताकि हम उससे भी ज़्यादा अपने आप को उभारें। उसके बाद हमने अपनी एक्टिंग देखे, दर्शकों पर ही निर्भर करती है कि हमारी मूवी कैसी है, वही बताएंगे, पता नहीं। होप करते हैं कि दर्शकों को भी पसंद आएगी, क्योंकि ये यूथ मूवी है, यूथ के ऊपर डिपेंड है, तो अच्छी लगेगी उनको, देखते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो सर बताइए, फिल्म देशनगरी के बारे में आप लोग प्रोड्यूसर्स हैं, कैसा लग रहा आपका एक्सपीरियंस कुछ बताएं? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा फिल्म के बारे में। एक्चुअल फास्ट मूवी है, एक मर्डर और रोमांटिक मूवी है। आप पहले मूवी को देखिए, बहुत अच्छा मूवी बनाया हमारे, हमने तो बेस्ट देने के लिए कोशिश किया मूवी के साथ। और इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े बड़े मूवी होता है, उसके हिसाब से हमारा भी एक रेंज में हमने अपना एक थोड़ा पोटेंशियल दिखाने का ट्राई किया है। और बेसिकली ये इमोशनल मूवी आपको फील होगी जब एंड होगा ना, यू विल फील लाइक इट इज़ ए वेरी इमोशनल मूवी, बिकॉज हमारी मूवी की स्टोरी ऐसे ही डेवलप होती है। इसके अंदर एक लड़का होता है, ठीक है, वो किसी लड़की को प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसके साथ ऐसा चीट करती है कि वो इमोशनली इतना टूट जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी भी स्प्लिट हो जाती है। उस स्प्लिट पर्सनैलिटी के अंदर वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, ये हमने पूरा फिल्माने की कोशिश की है। तो आपको अच्छा लगेगा जब देखोगे ना, आप मूवी को देखिए। तो जब आपके पास ये स्टोरी आई तो ऐसा क्या था जो आपको, हाँ ठीक है चलो हमें प्रोड्यूस करनी है ये फिल्म, ऐसा के दिमाग में? हमने ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, तो हमें लगा इसके अंदर कुछ अलग स्टोरी है बॉलीवुड से, जो कि एक नयापन लेकर के आएगी ऑडियंस के लिए, तो नया सा लगा तो हमें माइंड में क्लिक किया। यंग यूथ के लिए मूवी है ये, और यंग यूथ इसमें इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि रोमांस इसके अंदर होते हुए दिखा है। तो अब देखिए मूवी को, देखो आगे देखो कितना क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे? फोर्थ ऑफ मई को रिलीज है इसका, और ग्रैंड रिलीज है। वी आर ट्राइंग टू डू इट ग्रैंड, एंड ऑडियंस विल मेक इट ग्रैंड, एंड यू विल ऑल्सो मेक इट ग्रैंड। थैंक यू सो मच। सर फिल्म तिश्नगी जो है वो तैयार हो चुकी है, बताइए मूवी के बारे में कैसी है फिल्म, क्या है उसकी स्टोरी? तिश्नगी एक डिसेंट टाइप की मूवी है, और यूथ को, जो कि यूथ को बहुत पसंद आएगी, एक्चुअली सब लोगों को पसंद आएगी, लेकिन ये यूथ बेस्ड हमारी तिश्नगी फिल्म जो है हमारी यूथ बेस्ड है, और एक अच्छी मूवी बनी है, सब ने अच्छा परफॉर्म किया है, और गाने भी अच्छे हैं, सब बड़े सिंगर्स हैं, तो इस तरह से मिला के एक अच्छा पैकेज है। जी हाँ, उन फिल्मों से, सारी फिल्मों से अलग है। एक्चुअली क्या होता है कि बाकी फिल्मों में क्या हुआ कि एक जो कैरेक्टर है ना, जो कुछ मर्डर करता है या कुछ भी करता है ना, तो वो क्या करता है कि प्री प्लान करके करता है कि मुझे इस आदमी ने तकलीफ़ दिया तो मुझे इससे रिवेंज लेना है, जबकि हमारी मूवी में इस तरह से कुछ भी नहीं है। सब कुछ होता है लेकिन प्लानिंग नहीं होता है, प्री प्लानिंग नहीं होता है, सब सिचुएशनल हो जाता है, और ऐसा होता है कि लोग यकीन नहीं कर पाते कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इस टाइम इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं,
इस टाइप का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। थ्रिलर लव स्टोरी, थ्रिलर लव स्टोरी। हाँ, एक्टर्स का इसमें हमने जो हमारे आर्यन बैज जी हैं, राजपाल यादव जी हैं, इन लोगों को तो हमने पहले से कास्ट किया था। बाकी लीड एक्टर और एक्ट्रेस के लिए हमने बाकायदा कैश तनवी है, कैश तनवी से मैं मिला और देखा तो ऑडिशन वगैरह लिया तो लगा कि हमारे जो हमारा जो कैरेक्टर है उसके लिए फिट है। फिर अनुष्का का सिलेक्शन इस तरह से हुआ, फिर बाकी जो सारे एक्ट्रेस हैं उनको किया। ये हमारा भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में शूट हुआ है, तो और थोड़ा एक दो दिन का जो शेड्यूल था हमारा मुंबई में हुआ है। तो भोपाल में जो बड़े बड़े लोकेशंस हैं, चाहे बोट क्लब हो और हनुमान टिकड़ी एक करके जगह बहुत हाइट पे है, वहाँ पे हमने शूट किया, और जो अच्छे अच्छे लोकेशन हैं भोपाल में हो सकते हैं वहाँ पे हमने शूट किया। हाँ बताया ना हमने कि हमारी फिल्म का कॉन्सेप्ट ही अलग है, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट है कि लोगों को मतलब अगले सीन में, अगले फ्रेम में क्या होने वाला किसी को पता नहीं होगा, और लास्ट तक किसी को नहीं पता होगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब बंधे रहेंगे, बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। जी अभी मेरी एक और फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, स्टार्ट है मेरा प्रोजेक्ट, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, जो कि फुल टू लव स्टोरी एक्शन फिल्म है, जिसका पूरा हम लोग शूट करने वाले हैं नैनीताल में, और वो नैनीताल बेस्ड ही स्टोरी है। जी मैं ऑडियंस से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि 4 मई को थिएटर में जाएं और हमारी फिल्म को देखें और हमें उसका रिस्पांस दें, तो मैं उन लोग का बड़ा आभारी हूँ।